part 3, which contains two categories of questions in which we solve four questions. The first one is, if x is less than y by 30%, then y exceeds x by, मतलब जो है, x y से 30% less है, तो जो y है वो x से कितना exceed कर रहा है, कितने percent, वो हमें find करना है. So, we solve these type of questions by the formula r upon 100 minus r into 100, in which r is given percent. That means, if any x is less than y by certain percent, then y exceeds x by r upon 100 minus r into 100. That means, अगर जो x है y से किसी certain percent से less है, then y उससे कितना percent ज्यादा होगा उसको हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे. जहाँ पे जो r है वो जितना लेस एन परसेंट दिया है वो है, तो उसमें r की वैल्यू पुट करेंगे, 100 में से सबट्रैक्ट करेंगे, नीचे के परसेंट फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये यहाँ से क्या होगा, हमें जो गिवन परसेंट है वो दे दिया गया है 30%, तो ये हो जाएगा 30/100 माइनस 30 × 100, ये हो जाएगा 30/70 × 100, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, आफ्टर दैट 300/7%, ये जो होगा आपका आंसर होगा, या फिर इसको जाए तो डेसिमल पॉइंट में डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं. तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100 वैल्यू पुट करके बस सॉल्व कर देना है. तो इसी के बेस पे इसका जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपका कितना परसेंट एक्सीड कर रहा है वो दे देगा और कितना लेस है वो आपका फाइंड करना रहेगा, ठीक इसका अपोजिट. तो इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन में से कम्प्लीट एग्जाम में श्योरली वन क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है. अब इसमें जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का कुछ होगा, इफ राम्स इनकम इज 25% ग्रेटर देन श्याम्स इनकम, देन व्हाट परसेंट श्याम्स इनकम इज लेस देन राम. दैट मीन्स जो राम की इनकम है वो श्याम से 25% ग्रेटर है, तो जो श्याम की इनकम है वो राम से कितने परसेंट जो है लेस है वो हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स इसमें जो ग्रेटर परसेंट है वो दे दिया है और आपको लेस फाइंड करना है. तो इसके लिए भी उसी टाइप का फॉर्मूला यूज होगा, बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे हमें लेस वाला फाइंड करना है. तो इसमें हमें ग्रेटर वाला परसेंट दिया है और लेस वाला फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आर अपॉन 100 के साथ उसका जो परसेंट है वो एड करना होगा और इंटू 100. तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में यूज करना है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटर वैल्यू दी है लेस वैल्यू फाइंड करनी है या फिर लेस वैल्यू दी है ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर हमें ग्रेटर वैल्यू दी है और लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन जनरली आप फ्रैक्शन के केस में जानते हैं कि जब हमें लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसके लिए फ्रैक्शन में दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा जो न्यूमरेटर है वो लेस कर दिया जाए, या फिर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू बढ़ा दे तो भी जो है ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू लेस फाइंड हो जाएगी. और अगर ग्रेटर फाइंड करनी है तो ग्रेटर की कंडीशन में भी वही होता है, अगर ग्रेटर फाइंड करना है तो या तो न्यूमरेटर की वैल्यू को हम ग्रेटर यानी कि और इंक्रीज करें, या फिर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को हम लेस कर दें. तो इसकी वैल्यू जब लेस होगी तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर फाइंड होगी. तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो परसेंट जो है ग्रेटर वाला दिया गया है और हमें लेस वाला फाइंड करना है. तो लेस फाइंड करने का मतलब है कि हमें जो है लेस वैल्यू ओवरऑल फ्रैक्शन की मिलनी चाहिए. तो लेस वैल्यू मिलने के लिए अब हम जो है न्यूमरेटर में तो कोई चेंजिंग कर नहीं सकते हैं, बिकॉज जो है वो परसेंट फिक्स है, इसको नहीं चेंज कर सकते. तो लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हम उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर देंगे. जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू लेस फाइंड हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पे जब लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फार्मूला यूज करेंगे आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100. तो अब बस इसमें हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आर है 25% है, 25/100 प्लस आर, दैट मीन 100 प्लस 25 × 100, ये हो जाएगा 25/125 × 100, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, दैट मीन्स 20%. जो श्याम की इनकम होगी वो राम से जो है 20% जो है लेस है. तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको लेस वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे आर अपॉन 100 प्लस आर
100। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सेम फार्मूला यूज होगा लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हो जा रहा है, दूसरे टाइप से करके क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें भी सेम फार्मूला यूज हो रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीज 25%, देन व्हाट परसेंट स्पेंट शुड डिक्रीज फ्रॉम रिमेनिंग सेम स्पेंट। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफन सीन इन वन डे एग्जाम्स, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीजेस 25%, दैट मीन सुगर का जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो जा रहा है। देन व्हाट परसेंट स्पेंट शुड डिक्रीजेस फ्रॉम रिमेनिंग सेल स्पेंट, मतलब सुगर का कॉस्ट बढ़ जाने पर हमें जो अपनी खपत है कितनी कम करनी चाहिए कि जो हमारा पैसा है उतना का उतना ही लगे। तो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम करते थे जो ग्रेटर वैल्यू दी रहती थी अगर, और स्मॉल जो मतलब लेस वाली वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो क्या फार्मूला यूज करते थे, आर अपॉन 100 प्लस आर इनटू 100 करते थे। तो यहाँ पे जो उसका प्राइस है इंक्रीज करने के बाद दिया गया है, जितना इंक्रीज हो रहा है वो दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी है, यानी कि लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम हम यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर अपॉन 100 प्लस आर इनटू 100। तो यहाँ पे भी बस सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आर जो है वो गिवन परसेंट है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू है 25, फिर 100 प्लस 25 इंटू 100, ये हो जाएगा 25/125 इंटू 100 और ये हमारा क्या हो जाएगा 20%। दैट मीन जो है हमारे सुगर का जो स्पेंड करते थे उसमें 20% जो है हमें डिक्रीज करना होगा उसकी स्पेंड को, तब जाके जितना पैसा पहले लगता था उतना ही हमें लगेगा फिर। तो अब इसी के बेस पे जो है वो सेकेंड टाइप का इसका जो क्वेश्चन होगा, जो डिक्रीज करने वाला परसेंट है वो दे देगा और आपको जो है इंक्रीमेंट वाला वो फाइंड करना होगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सो द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, प्राइस ऑफ टी डिक्रीज 25%, देन व्हाट परसेंट स्पेंट शुड इंक्रीज फॉर अनचेंज स्पेंट। दैट मीन्स जो टी का प्राइस है वो 25% डिक्रीज हो जा रहा है, तो हमें जो है जितना उस पे स्पेंड करते थे, जितना टी पे हम स्पेंड करते थे, उस स्पेंड को हम और कितना बढ़ा दे ताकि जो हमारा स्पेंड है वो उतना ही बना रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, तो पहले जितना हम खरीदते थे वो कमी पैसे में मिल जाएगा बट हमें जो पैसा है उतना ही खर्च करना है, तो हमें जो है इसको और कितना अधिक खरीदना होगा ताकि जो हमें जितना पैसा स्पेंड करते थे वो उतना ही बना रहे। तो उसको फाइंड करने का मतलब है कि हमें वैल्यू बढ़ानी है, इसका मतलब हमें ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो लेस हो। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो होगा आर अपान 100 माइनस आर इंटू 100, क्योंकि बड़ी वैल्यू चाहिए तो उसका डिनोमिनेटर हम छोटा कर देंगे 100 में से सबट्रैक्ट करके, तो क्या आएगा, आर टू परसेंट में दे दिया गया 25/100 माइनस 25 इंटू 100, ये हो जाएगा 25/75 इंटू 100 और ये कैसे रखा जाएगा, दैट मीन्स 100/3 या फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33 whole 1/3। दैट मीन्स जितना टी हम पहले स्पेंड करते थे अब उसकी जो स्पेंड करते थे टी उसमें हमें 33 whole 1/3% इंक्रीमेंट करनी होगी, तब जाके जो है जितना हमारा मनी स्पेंड होता था उतना ही बना रहेगा। सो यू शुड सॉल्व मेनी मेनी एंड मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।